हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्मो दादीज किचन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड और बटर का बहुत ही आसान नाश्ता। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको मॉर्निंग में, इवनिंग में या कभी भी आपको भूख लगे, आप इसको 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ब्रेड और बटर का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। आप छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की यहाँ पर ब्रेड ले सकते हैं। और ये मैंने मेल्ट हुआ हुआ बटर लिया है, तो हमें बटर इस तरह का ही लेना है। जब भी आप ये नाश्ता तैयार करें तो बटर को फ्रीज से 10 से 15 मिनट के लिए बाहर निकाल दें ताकि वो इस तरह से मेल्ट हो जाए। तो चलिए अब इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक ब्रेड की स्लाइसेस ले ली है और ये मैंने बटर इस पर लगाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमें बटर को फ्रीज से निकाल देना है ताकि बटर ब्रेड पर आसानी से अप्लाई कर सके। तो ये देखिए, चारों तरफ से यहाँ पर मैं ब्रेड पे बटर अप्लाई कर दूंगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बटर अप्लाई नहीं करना है, हल्की सी हमें एक पतली सी लेयर बनानी है बटर की। तो ये देखिए, फर्स्ट स्लाइस हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से तीनों ब्रेड की स्लाइसेस पे बटर लगाकर तैयार कर लेंगे। और ये नाश्ता मैं 2 फ्लेवर में बनाऊँगी, एक मीठा फ्लेवर में और एक नमकीन फ्लेवर में। तो ये देखिए, यहाँ पर चारों स्लाइसेस हमारी तैयार है, हमने बटर अप्लाई कर लिया है। और सबसे पहले हम नमकीन वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट लिया है, तो हम दोनों ब्रेड पे फ्रूट चाट स्प्रिंकल कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च, तो काली मिर्च को भी दोनों ब्रेड की स्लाइसेस पे स्प्रिंकल कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी हम यहाँ पर काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और ये मैंने लिया है काला नमक, काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप यहाँ पर चाहे तो सादा नमक भी ले सकते हैं, पर लेकिन काला नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा काला नमक भी अप्लाई कर दिया है। नमक कम ही ऐड करें क्योंकि बटर में भी नमक होता है। और ये हमने लिया है चिल्ली फ्लेक्स, तो चिल्ली फ्लेक्स से थोड़ा सा ये चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही चिल्ली फ्लेक्स ऐड की है। तो ये हमारी स्लाइसेस तैयार है। तो अब एक स्लाइसेस को हम दूसरी स्लाइसेस पे कवर कर देंगे। और ये लीजिए, ये हमारा नमकीन फ्लेवर वाला ब्रेड और बटर का नाश्ता बनकर तैयार है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे मीठा फ्लेवर वाला। तो यहाँ पर हमने दोनों ब्रेड की स्लाइसेस पे बटर तो अप्लाई कर दिया था, तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे चीनी। तो ये मैंने जो मोटी वाली चीनी होती है जो हम चाय में डालते हैं, वही चीनी ली है। तो यहाँ पर हम अच्छे से ब्रेड पे चारों तरफ चीनी को स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं किनारियों पे भी अच्छे से लगा रही हूँ और सेंटर में भी लगा रही हूँ। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा सादा नमक, तो उसमें हमने चटपटे के लिए काला नमक ऐड किया था और यहाँ पर मैंने सादा नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये हमारा मीठा फ्लेवर वाला बटर और ब्रेड का नाश्ता बनकर तैयार है। तो एक स्लाइसेस को हम दूसरे स्लाइसेस पे इस तरह से कवर कर लेंगे और अब इसको हम कट करेंगे। और ये लीजिए, हमारा नमकीन और मीठा फ्लेवर का ब्रेड और बटर का नाश्ता बनकर तैयार है। सेकना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये कच्चा ब्रेड और बटर का नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। बिना गैस जलाए और बिना टाइम वेस्ट किए 2 मिनट में हमने ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। ये नाश्ता आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या इवनिंग की टी के समय भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और बहुत ही लाइट वेट नाश्ता है। तो अगर आपको मेरी आज की नमकीन फ्लेवर और मीठे फ्लेवर की बटर और ब्रेड की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, आप किसी भी शेप में ब्रेड को कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।